मीटू कैंपेन के तहत कई महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद समूचे विपक्ष ने एमजे अकबर के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। साथ ही एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग भी तेज कर दी। नैतिकता के आधार पर श्री एमजे अकबर को तत्काल मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना चाहिए था। नैतिकता का तकाजा यही है कि वो अपने पदों से इस्तीफा दे और इंक्वायरी को फेस करे। मिनिस्टर पर हमला तेज होता देख बीजेपी के नेता उनके बचाव में सामने आए। अपनी उन्नति प्रगति के लिए हम शॉर्टकट कभी भी ना चुने, जीवन मूल्यों के साथ समझौता करके यदि कोई सफलता हमने हासिल करी तो भारतीय संस्कृति तो उसको निरर्थक ही मानती है। इस्तीफे से इसका क्या हल निकलेगा आप बताइए। इतना ही नहीं, मिनिस्टर ने भी विदेश से लौटने के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी, जिसमें उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही ये दावा भी किया कि 2019 के चुनाव से पहले उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यही वजह रही कि एमजे अकबर ने सफाई देने के बाद आरोप लगाने वाली महिलाओं में एक के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि इस बारे में जब मीडिया ने एमजे अकबर के वकील से सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर सर कुछ बताएंगे, आप लोगों ने फाइल किया है क्या? सर कुछ बोले, किसके खिलाफ फाइल किया गया है? सर एमजे अकबर के इस कदम के बाद ऑपोजिशन ने बिना समय गंवाए बीजेपी और पीएम को निशाने पर लिया। हियर एमजे अकबर इज यूजिंग डिफेमेशन टूल एज अ प्रोटेक्शन, नोबडी कैन एक्सेप्ट इट। He is not resigning. It is a responsibility of Mr. Modi to sack him. ये जो मंत्री ने आज केस दाखिल किया है, हमारा साफ तौर से प्रधानमंत्री जी से सवाल है, क्या इसके पीछे आपका हाथ है? हालांकि इस पॉलिटिकल घमासान के बीच एमजे अकबर ने कोर्ट में अपने स्टैंड रखने के लिए जानी मानी लीगल फर्म करांजावाला एंड कंपनी को नियुक्त किया। इस लीगल फर्म ने एमजे अकबर के लिए 97 वकीलों की टीम लगाई है।